महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के तिरोड़ा तहसील में स्थित है काचेवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव। इसी गांव के एक गरीब किसान परिवार में जन्मे मोतीलाल नाम के एक 10 साल के बच्चे ने अपनी परिस्थिति को बदलने की ठान ली थी। वह जानता था कि अपने सपनों को अगर साकार करना है तो अच्छी पढ़ाई के साथ साथ कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, और इस छोटी सी उम्र में उसने अपनी एक ड्रीम लिस्ट बनाई थी जिसमें अपने घर में कुआं खोदने से लेकर आगे क्या क्या करना है उसका विवरण था। अपने सपनों को हकीकत में उतारने के लिए वह जी जान से जुट गया। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में वह केवल अपने गांव से ही नहीं बल्कि पूरे केंद्र में प्रथम आया। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए लगने वाली फीस की छोटी सी रकम भी न जुटा पाने के कारण उन्हें ITI में दाखिला लेना पड़ा, जो कि गांव से 25 किलोमीटर दूर गोंदिया में स्थित था। रोज सुबह खेती के काम में माता पिता का हाथ बटाना, गाय चराना और फिर ITI के लिए रोज 50 किलोमीटर साइकिल से आना जाना करना, घर आकर लगन से पढ़ाई करना। 2 साल की इस निरंतर मेहनत का नतीजा यह आया कि वे अपने कॉलेज से फिटर ट्रेड में प्रथम आए। मोतीलाल जी का ऐसा है, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले, ये अच्छे स्टूडेंट थे, मेहनती थे, और गांव में रहने से खेती किसान के लड़के थे तो खेती भी करते थे, काम करते थे। हम जब स्कूल से जाते थे, जब 5 बजे छुट्टी हो जाती थी तो उधर जाते थे तो ये अपने खेत का भी काम करते दिखते थे। अप्रेंटिसशिप के लिए उन्हें भंडारा स्थित अशोक लेलैंड कंपनी में मौका मिला और यहाँ भी उन्होंने अपने कर्तृत्व की छाप छोड़ी। पिछले ग्रामीण इलाके से आए इस युवक ने बिना किसी के मार्गदर्शन के अपने मंसूबों के बदौलत शहरी युवाओं को कड़ी टक्कर देते हुए ऑल इंडिया स्किल कंपटीशन फॉर अप्रेंटिसेस की परीक्षा में भंडारा जिले से प्रथम तथा संपूर्ण महाराष्ट्र से द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अप्रेंटिसशिप के दौरान ही औद्योगिक सुरक्षा विषय पर लिखी उनकी कविता को पूरे विदर्भ से प्रथम पारितोषिक प्राप्त हुआ। कविता लिखने का ये हुनर उन्होंने अपनी माँ से पाया, जो एक खुद बेहतरीन कवियत्री हैं। बेहतर भविष्य की तलाश में मोतीलाल जी सन 1999 में नागपुर आए और यहाँ 4 साल उन्होंने विभिन्न कंपनियों में वेल्डर, फिटर, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर जैसे अलग अलग पदों पर काम किया। उसी दौरान उन्होंने सन 2000 में स्वदेशी मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की और यहीं से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। इस मार्केटिंग बिजनेस में उन्होंने ज्यादा पैसे तो नहीं कमाए, लेकिन उनका व्यक्तित्व निखारने में यह काफी मददगार साबित हुआ। सुबह 8 बजे से घर से निकलना, दिन भर लोगों से संपर्क करना, शाम को लीडर्स लोगों की मीटिंग अटेंड करना, आधे रात में घर में लौटना, किताबों में जो नोट्स, जो टिप्स जो लीडर लोगों ने दिए थे उसको पढ़ना, फिर रात में और शिव खेरा की किताब बड़े सोच का बड़ा जादू और ऐसे ही और कई किताबें पढ़ना, और उसके बाद फिर भोजन वोजन जो कुछ बचा बचा हो ग्रहण करना। तो ये उसका दिन क्रम था। ये बातें हैं स्वदेशी के सफर की, जहाँ उन्होंने मार्केटिंग और जनसंपर्क कैसा होता है ये सीखा, उसका नॉलेज सीखा। नौकरी छोड़ अब वे पूरी तरह स्वदेशी के काम में जुट गए थे। अपनी मेहनत, सच्चाई, सबको साथ लेकर चलने का स्वभाव और आसमान छूने के अपने हौसलों के बदौलत उन्होंने हजारों लोगों का अपना एक अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया था। स्वदेशी में उन्होंने नाम तो खूब कमाया, लेकिन पैसों की तंगी अब भी उन्हें परेशान कर रही थी। इसलिए उस दौरान उन्होंने मोबाइल कनेक्शन बेचे, मोबाइल बिल के रिकवरी का काम किया, चादरें बेची, दिवाली में फटाके बेचे। किसी भी काम को कभी उन्होंने छोटा नहीं माना। एक ओर पैसों की तंगी से वे जूझ रहे थे तो दूसरी ओर उनके सपने उन्हें पुकार रहे थे, और यही वजह है कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर रियल इस्टेट व्यवसाय में कदम रखा। सन 2004 में नागपुर की एक रियल इस्टेट कंपनी उन्होंने ज्वाइन की और पहले महीने में ही 31 प्लॉट बेचकर एक रिकॉर्ड बना डाला।
इस व्यवसाय में भी उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पर नागपुर, रायपुर, इंदौर जैसे शहरों में 5,000 लोगों की टीम खड़ी की। आलम यह था कि विभिन्न शहरों में उनके सेमिनार में लोग 500 रुपयों के टिकट लेकर आते थे। मोतीलाल जी अपने गांव के वातावरण में खूब घुलते मिलते हैं। गांव की मिट्टी की खुशबू और गांव वासियों का प्यार उन्हें गांव की ओर खींच लाता है, और यही वजह है कि उन्होंने गांव में रहने के लिए एक सुंदर मकान बनाया है। धार्मिक वातावरण में पले बढ़े मोतीलाल जी अपने संपूर्ण परिवार को साथ लेकर चलते हैं। मैं बहुत कुछ सीखा लाइफ में भैया से मैंने, क्योंकि जहाँ भी गए उनके साथ साथ मैं भी सीखते गया। अगर वो 100% सीखते गए तो वहाँ से 50% मुझे भी ज्ञान मिलते गया। आज लाइफ में जहाँ पर भी मैं स्टैंड कर रहा हूँ तो आज उसमें भैया का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें मैं इनडायरेक्टली कई बार अपने प्रोग्राम्स में मैंने बोला है कि भैया मेरे गुरु है करके, और आदर्श भी है वो लाइफ के। हमारी आई का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हमारी आई आध्यात्मिक और हमको जो बचपन से कल्चर मिला है, संस्कार मिले, पूजा पाठ, सुबह 6 बजे उठना, पूजा पाठ करना, अगर लेट हो गए तो आई की डांट लेनी पड़ती थी, उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करके स्कूल जाके सारे काम करना, तो हमारे माँ बाप का भी इसमें काफ़ी सारा सहयोग रहा है इसमें। छोटे बच्चे अपने बराबरी के बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन वो थोड़े अपने से बड़ों के साथ खेलते थे, बड़ों के साथ चर्चा करते थे। तो अभी मुझे समझ में आता है, और मैं भी बच्चों को बताती हूँ, मैं भी टीचर हूँ, कि बड़ों से ज़्यादा संपर्क में रहना, क्योंकि बड़ों का अनुभव ज़्यादा रहता है, उनसे अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे भाइयों ने हमारे माँ बाप का नाम कमाया, और हमको भी वहाँ सहयोग लेके चल रहे अभी भी, और पहले भी इनने मेहनत बहुत की है, और हम भाइयों को इतना आशीर्वाद देना चाहते हैं कि ऐसे करते रहे। त्यांनी एवढा आपल्या आई वडिलाचं नाव, कुटुंबाचं नाव, गावाचं नाव, नातेवाईकांचं नाव, ह्या सर्व नावाचा झेंडा लावलेला आहे त्यांनी, आणि आपल्या समाजामध्ये त्यांनी फार मोठी ख्याती मिळवलेली आहे। आता माझा आशीर्वाद हाच राहील त्याला की बाबा अजून तुला पुष्कळ काही करायचं आहे, ह्या पृथ्वीच्या पाठीवर मिळवण्यासाठी पुष्कळ काही आहे, आणखी 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 प्रयत्न कर, तुला यश मिळेल, आणि त्या यशामध्ये आमच्या सगळ्यांचा तुला आशीर्वाद आहे। 2021 में उनकी माताजी का काव्य संग्रह प्रकाशित होना उनके जीवन के खास लम्हों में से एक था। जल्द ही उनका अपना काव्य संग्रह भी प्रकाशित होने वाला है। अपने माता पिता के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा है, और यही वजह है कि रियल इस्टेट क्षेत्र में 12 वर्ष के अपने अनुभव के बाद जब उन्होंने 4 मार्च 2016 को माय एसेट इंफ्रा नाम से खुद की कंपनी शुरू की, तो अपने कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने अपने आदरणीय माता पिता के हाथों किया। अपना खुद का मकान होना ये हर किसी का सपना होता है, और माय एसेट इंफ्रा, जो कि माई ग्रुप के नाम से भी मशहूर है, हजारों लोगों का यह सपना सच कर रही है। अच्छे आर्थिक व्यवहार और एक समर्पित टीम की बदौलत देखते ही देखते इस कंपनी ने नागपुर जिले के रियल इस्टेट क्षेत्र में अपना एक अलग मकाम बनाया। आज कंपनी केवल प्लॉट के व्यवसाय में ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स के निर्माण क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां छू रही है। अच्छा लोकेशन, अपार्टमेंट का आकर्षक एलिवेशन, हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, सभी फ्लैट्स का बेहतरीन आर्किटेक्चर, स्पेशियस पार्किंग, लिफ्ट के साथ साथ सभी आवश्यक सुविधाएं, और ग्राहकों को ग्राहक नहीं बल्कि अपने परिवार का एक सदस्य मानना, यह माई ग्रुप की खासियत है, और यही वजह है कि कंपनी के सभी ग्राहक हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं। ISO 9001:2015 प्रमाणित इस कंपनी के सभी प्रोजेक्ट्स महारेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना, और कंपनी का नरेडको तथा क्रेडाई जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं का सदस्य होना कंपनी की विश्वास अर्हता को दर्शाती है। 2000 से ज्यादा रजिस्टर्ड रियल इस्टेट एडवाइजर्स की समर्पित टीम, और पिछले 7 वर्षों में
3,700 से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक इस बात की पुष्टि करते हैं। मेरे सपने साकार हो गए, जो मेरे सपने में सोचा था कि मुझे ऐसा एक डुप्लेक्स होना चाहिए था, वैसा ही 100% है। उस बात की खुशी थी कि उनका जो कंस्ट्रक्शन था वो अभी बहुत ही बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का है, तो मन में एक सेटिस्फेक्शन है। चौधरी सर आते थे, पूरा समझा के बताते थे कि यहाँ पे ये रहेगा, इसमें वाटर टैंक रहेगा, इतने फ्लोर्स रहेंगे, इतना लोहा इस्तेमाल हुआ है, इतने गेजेस का हुआ है, ये सीमेंट की क्वालिटी है। तो हर जगह उन्होंने अपने क्वालिटी को बहुत ही कंट्रोल तरीके से उस पूरे इमारत में इस्तेमाल किया था, तो उनका अनुभव भी थोड़ा सा बहुत अच्छा है। तो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और हमारी खुशियों को भी ध्यान रखते हुए कि नहीं, अगर इस घर में मैं रहूँगा तो कैसा होना चाहिए, कहाँ विंडो रहना चाहिए, कितने इसमें आपको क्या लेना है, तो ये सब चीज़ें उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है। आज अपने व्यवसाय के माध्यम से वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। अपने व्यवसाय को ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी धर्मपत्नी एडवोकेट रूबी चौधरी जी का विशेष योगदान रहा है, जो व्यवसाय का कानूनी पहलू बखूबी संभालती हैं। व्यावसायिक सफलता के साथ साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भी श्री मोतीलाल जी चौधरी हमेशा अग्रसर रहते हैं। 2008 में उन्होंने अपने गांव में मैत्रेय बहुद्देशीय शिक्षण संस्था के अंतर्गत एक CBSE स्कूल शुरू की, जिसमें आज 200 से ज्यादा ग्रामीण बच्चे पढ़ते हैं। अपनी सामाजिक संस्था माई फाउंडेशन के अंतर्गत हर वर्ष रक्तदान शिविर, हेल्थ चेकअप कैंप, वृक्षारोपण, अखंड भारत दिवस, गणतंत्र दिवस, विभिन्न उत्सव तथा धार्मिक कार्यक्रमों को बड़े उत्साह के साथ मनाना हो, या वृद्धाश्रम अनाथालयों में मदद करना हो, या कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना हजारों मेहनतकश गरीब परिवारों को, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को तथा क्वारंटाइन किए गए लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना हो, या फिर पीड़ित लोगों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व करना हो, ऐसे सभी सामाजिक कार्यों में वे अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। हर व्यक्ति का सपना रहता है कि मैंने कुछ करना चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, नेम फेम सारा कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए जो लगन चाहिए ना, वो लगन उससे सीखने की ज़रूरत है। वो एक बिजनेस कर रहा था लेकिन उससे पूरे सपने नहीं हो रहे थे या उसकी ज़रूरतें पूरे हो नहीं रही थी, तो वो वहीं के वहीं रुक नहीं जाता था, वो और कहीं और कहीं और कहीं कुछ ना कुछ ढूंढता था, और उसी के साथ वो बिजनेस करते करते वो दूसरा बिजनेस ढूंढ रहा था। तो इस तरीके से उसने प्लॉट के बिजनेस में भी उसने एंट्री की, और खेड़ेगाँव से आया वो लड़का, और ऐसे ही खेड़ेगाँव से आकर उसने आज नागपुर में कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। जो जीरो था उसने इतने करोड़ों रुपये कमाए, इतने लोगों को कमा के दिए, ये मैंने मेरे आँखों से देखे। तो मैं उसको हमेशा बोलती थी कि मोतीलाल, हम उदाहरण देते थे, हम लोगों को बोलते थे ये बुक पढ़, मुझे तो ऐसा लगता, मैं पढ़कर हम सोचते थे कि ऐसा होता है, लेकिन मैंने एक्चुअली देखा है कि तेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तेरा क्या था ये सब लोगों ने देखा है, और आज तू क्या बन गया है ये भी लोगों ने देखा है। तो तू जब किताब लिखेगा ना, तो लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हो जाएगी, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तूने ये किताब लिखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की किताब पढ़कर हमें नहीं ये सकते, तेरी किताब पढ़कर किसी को भी विश्वास हो जाएगा, अरे हाँ सच में मोतीलाल ने किया ना तो हम कर सकते हैं, मोतीलाल ने किया है तो हम कर सकते हैं। वो चाहे सामने रहे नहीं रहे, लेकिन हमेशा मैं लोगों को उसी का उदाहरण देती हूँ, और स्वभाव तो उसका इतना अच्छा है कि खुद को खाने को नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे दोस्तों को देना है, इसको देना है, उसको देना है, लोगों को हेल्प करने का, अपने जेब में पैसा नहीं है फिर भी सोचता था कि मैं सोचता हूँ और उसको किस तरीके से हेल्प करूँगा, वो उसको हेल्प करता ही करता था। आज तो उसके पास सब कुछ है, लेकिन जिस समय नहीं था ना, उस समय भी वो हेल्प करता था। वे आज राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय OBC महासंघ के शहर उपाध्यक्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विदर्भ प्रांत प्रभारी के तौर पर अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि अच्छे बिजनेसमैन होने के बाद जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो समाज से वो नार तोड़ देते हैं, लेकिन मोतीलाल जी चौधरी एक ऐसे शख्स है कि आज भी वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो समाज से वो बिलोंग करते हैं, चाहे पवार कास्ट हो या फिर हमारा OBC कम्युनिटी हो, उनको जितना मदद वो कर सकते वो मदद भी करते हैं, और साथ में हर फंक्शन में अटेंड करके लोगों को
एक प्रभावित करने का काम वो करते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं डेवलप हुआ, उस तरह से और युवा कैसे डेवलप होंगे, खुद के पैर पे कैसे खड़े रहेंगे, जिसको हम सेम्प एम्प्लॉयमेंट वाले पीढ़ी कैसी तैयार होगी, इसके लिए हमेशा वो सोचते रहते हैं और उस तरह से काम करते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उन्होंने जो संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये संघर्ष की गाथा लोग देखेंगे, सुनेंगे और यही उनका जो प्रयास है, ये प्रयास उनको आने वाले भविष्य में और ऊंचे पदों पर लेके जाएगा और अच्छे अच्छे काम उनके हाथों से होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की तरफ से उनके भावी कार्य के लिए मैं बहुत 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 शुभेच्छा देता हूँ। जिस पोवार समाज से वे आते हैं, उसे संगठित करने के उद्देश्य से उन्होंने 2016 में नागपुर के रेशमबाग मैदान में चक्रवर्ती राजा भोज जयंती महोत्सव आयोजित किया था, जिसमें अनेक गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ 40,000 से ज्यादा लोग सम्मिलित हुए थे। अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने उनके सामाजिक कार्यों को न केवल सराहा है, बल्कि विभिन्न लोकोपयोगी उपक्रमों के लिए उनकी खुले दिल से प्रशंसा भी की है। एक कुशल संगठक, एक ओजस्वी वक्ता, एक निस्वार्थ समाज सेवक, एक सच्चा राष्ट्रभक्त और एक सफल उद्यमी के तौर पर स्कूल, कॉलेजेस तथा देश की नामांकित संस्थाओं द्वारा उन्हें व्याख्यान तथा मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित भी किया गया है। विभिन्न क्षेत्र में उनके इसी सेवा भाव के लिए उन्हें अमेरिकन ईस्ट कोस्ट विद्यापीठ द्वारा हाल ही में मुंबई में हुए दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से गौरवान्वित किया गया है। ये कहानी है संघर्ष की, ये कहानी है जिद की, ये कहानी है अपने सपनों के साथ साथ औरों के भी सपने साकार करने के लिए जी जान से जुट जाने की। श्री मोतीलाल जी चौधरी की यह कहानी आज देश के करोड़ों युवाओं के लिए न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि अनुकरणीय भी है। तू सोच अपनी रख ऊंची, हौसलों को रख बुलंद हरदम, तेरे जज्बे को सलाम कर, कामयाबी चूमेगी तेरे कदम।